गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर वीडियो लेक्चर ऑफ फर्स्ट सैम पेपर सेकेंड यूनिट वन। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है जो कि रिलेटेड है नेचर ऑफ बॉन्डिंग से। नेचर ऑफ बॉन्डिंग के अंदर हमने लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को स्टडी कर रहे थे। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो हैं जो कि बेंजीन जैसे हैं। बेंजीन जैसे होने का मतलब है कि उनमें एरोमेटिक सेक्सटेट प्रेजेंट है। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो हैं जो कि एरोमेटिक सिटी तो शो कर सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें एरोमेटिक सेक्सटेट प्रेजेंट हो। एरोमेटिक सेक्सटेट का मतलब है एक क्लोज्ड लूप ऑफ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। छः इलेक्ट्रॉन्स से मिलके अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा हो मॉलिक्यूल में उसको हम कहते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट। ये टॉपिक हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स में हम इसको टॉपिक को कवर करेंगे। जो पॉइंट नंबर ए है जो कि हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था वो पॉइंट था सिक्स मेंबर्ड रिंग्स। ये पॉइंट टॉपिक हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सिक्स मेंबर्ड रिंग्स में हमने वो सारे मॉलिक्यूल्स की एरोमेटिसिटी को देखा था जो बेंजीनॉइड हैं और बेंजीनॉइड होने के साथ साथ में उनमें छः एटम्स प्रेजेंट हैं। बेंजीन हो सकता है, बेंजीन के हीट्रोजीनियस एनालॉग्स हो सकते हैं जैसे कि पिरिडीन। इसके अलावा कुछ फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स हो सकती हैं जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनेंथ्रीन। ये सब के एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके हमने इनकी एरोमेटिसिटी को पढ़ा था और हमने ये देखा था कि एक रिंग के अंदर किस तरह से एरोमेटिक सेक्सटेट प्रेजेंट होके मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाता है। ओके, आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, पहले हमने सिक्स मेंबर देखी थी, आज हम देखेंगे 5, 7 and 8 मेंबर्ड रिंग्स। 5, 7 and 8 मेंबर्ड रिंग्स के अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें से सबसे पहले हम 5 मेंबर्ड रिंग्स को देखेंगे। 5 मेंबर्ड रिंग्स के अंदर इस तरह के कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कि 5 एटम्स प्रेजेंट हैं। ये 5 एटम्स जो कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स आई हैव ड्रॉन हियर। ये है पायरोल, दिस इज थायोफीन एंड दिस इज फ्यूरेन। ओके, ये सारे हीट्रोजीनियस कंपाउंड हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कि एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है एंड देयर इज प्रेजेंट एन एरोमेटिक सेक्सटेट। आप ये बात याद रखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स में एरोमेटिक सेक्सटेट प्रेजेंट है। अब कहाँ दिख रहा है एरोमेटिक सेक्सटेट? एरोमेटिक सेक्सटेट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, वो बनेगा। कैसे बनेगा? आप ये देखिए, 1, 2, 3, 4 दो पाई बॉन्ड से तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में। अब ये जितने भी हीट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, तीनों ही एटम्स के पास में एटलीस्ट 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम ये नहीं कह रहे कि ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। कम से कम एक अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस तरह का अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सारे ही एटम्स पर प्रेजेंट है। वो जो अनशेयर्ड पेयर है, जो अनशेयर्ड का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसा जो पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का सेट है, वो इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और एक एरोमेटिक सेक्सटेट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, बन जाता है। नेचुरली दे डोंट हैव, बेंजीन में जैसे 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली उस मॉलिक्यूल में हैं, इन मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स में क्या पॉसिबिलिटी है? इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक हीट्रो एटम जो प्रेजेंट है, ये हीट्रो एटम अपनी प्रेजेंस की वजह से मॉलिक्यूल, इस हीट्रो एटम का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मॉलिक्यूल को एरोमेटिक सेक्सटेट कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प करता है। दो डबल बॉन्ड होने की वजह से इन सब में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं,
ये नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में दे देगा। इस वजह से वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके और एरोमेटिक सेक्सटेट कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब बना लेंगे। ओके, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिंग में देगा तो नाइट्रोजन विल हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो क्या चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे? इट विल अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि वो रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसलिए जो रिंग है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डीलोकलाइजेशन आप देख सकते हैं, हम अगर पायरोल का एग्जाम्पल देखें, ये हमारा पायरोल का मॉलिक्यूल है। ओके, इसका जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में चला जाएगा तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी सर्कुलेटेड इन द होल रिंग, ये पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता रहेगा। ये N, ये H नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, हर एटम पे रिंग के ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता रहेगा। और लास्ट रिंग, इन सबको हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, या हम कह सकते हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से पूरी रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज। और अब इसमें एक एरोमेटिक सेक्सटेट है, 1, 2, 3, 4, और इस नेगेटिव साइन की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक सेक्सटेट इन तीनों मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह से आप थायोफीन के और इसी तरह से आप प्यूरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी मॉलिक्यूल की बेसिसिटी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, अगर हम बेसिसिटी को डिफाइन करना चाहें तो बेसिसिटी होता है, इट इज़ द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स दे देने की क्षमता को बेसिसिटी कहा जाता है, क्षारीयता, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिसिटी। अगर हम एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो हाई पायरोल की बात और दूसरी आई पिरिडीन की बात, दिस इज पायरोल एंड दिस इज पिरिडीन, इन दोनों की बेसिसिटी को अगर हम कंपेयर करें तो पायरोल इज वेरी वेरी लेस बेसिक एज कंपेयर टू पिरिडीन। है दोनों में ही तो नाइट्रोजन एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम के पास में लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर जो है वो डोनेट करने की कैपेसिटी तो सेम होनी चाहिए, तो दोनों की बेसिसिटी शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन ऐसा नहीं होता। पिरिडीन की बेसिसिटी तो ज्यादा होती है, पिरिडीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पायरोल। उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इन केस ऑफ पिरिडीन ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, रिंग ऑटोमेटिकली एरोमेटिक है क्योंकि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन पायरोल के केस में ये जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिंग में इन्वॉल्व होकर रिंग की एरोमेटिसिटी बढ़ाता है, एरोमेटिसिटी उसको देता है रिंग को। इस वजह से पायरोल के केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फ्री नहीं है डोनेट होने के लिए। दिस विल रिजल्ट इन टू अ डिक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ पायरोल एज कम्पेयर टू पिरिडीन, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है पायरोल के केस में, इसीलिए पायरोल की बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री नहीं है डोनेट होने के लिए, और इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से ही बेसिसिटी बढ़ती है। ओके, सो बेसिसिटी अगर देखी जाए दोनों की तो पिरिडीन की बेसिसिटी इज हायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पायरोल। ओके, ये तो बात हो गई 5 मेंबर्ड के 3 कंपाउंड्स की। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा साइक्लोपेंटा, ये हमारा साइक्लोपेंटा डाय इन लिखा है मैंने, साइक्लोपेंटा डायनाइट एनायन नहीं बनाया है। साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, पेंटा मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5, डाय मतलब 2, इन मतलब 2 डबल बॉन्ड्स, दिस इज साइक्लोपेंटा डायन। जब साइक्लोपेंटा डायन का रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है, आप लोग एक बात याद रखेंगे, बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेस का काम होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू कैप्चर, कैप्चर कर लेना, कैप्चर करने का मतलब आप समझते हैं, कैप्चर करने का मतलब होता है पकड़ लेना, ले जाना। बेस का काम है
एच को एच प्लस के फॉर्म में ले जाना अपने साथ. बेस क्या है, जैसे ओ एच माइनस इज अ बेस, वो एच प्लस को अपने साथ में ले जाएगा तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, एच टू ओ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, तो बेस का काम है हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना. तो जब हम साइक्लोपेंटाडाईन का रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये एच प्लस के फॉर्म में ये दोनों निकल जाएंगे, या एक हाइड्रोजन का भी अगर रिमूवल होता है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा हमारे पास में, जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे, एच प्लस के निकलने से सी माइनस डेवलप हो जाएगा. दिस इज वॉट इज नोन एज साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन. और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है. नाउ एन एरोमेटिक सेक्सटेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक एरोमेटिक सेक्सटेट बन गया है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग के अंदर डिलोकलाइज हो सकता है. नेगेटिव चार्ज जो है इट कैन बी डिलोकलाइज इन द होल रिंग, पांचों एटम्स के ऊपर ये जा सकता है. इस तरह से इट कैन कंटिन्यू टू गेट डिलोकलाइज इन द होल रिंग, पूरी रिंग के हर एटम के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो सकता है. और इसी वजह से, इस नेगेटिव आयन की वजह से साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन जो है वो एरोमेटिक है बाय नेचर. 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं रिंग के अंदर, उनका डिलोकलाइजेशन हो रहा है. 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके अलावा जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑल्सो यूज इन द रिंग. एक एच प्लस का रिमूवल कर लेगा बेस, बेस जब एक एच प्लस को निकाल लेगा तो जो बॉन्ड होंगे, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी माइग्रेटेड ऑन दिस कार्बन एटम. सो दिस कार्बन एटम विल अक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा एच प्लस निकल जाएगा, बेस के साथ चला जाएगा. जो सी एच बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन पे माइग्रेट होके कार्बन को एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और इस वजह से साइक्लोपेंटा, अगर हम हमसे पूछा जाए कि साइक्लोपेंटाडाईन जो है वो एरोमेटिक है या नहीं, तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक. बट अगर हमसे पूछा जाए साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन एरोमेटिक है या नहीं, देन द आंसर इज येस, इट इज़ एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन एरोमेटिक सेक्सटेट. 6 इलेक्ट्रॉन्स जो लूप के फॉर्म में मूव करेंगे, देखिए आप ये सब मूव कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, पूरी रिंग के अंदर इनका मूवमेंट हो रहा है. तो दिस विल जनरेट एरोमेटिसिटी इन दिस साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसका है मैंने आपको पहले भी समझाया, फेरोसीन. फेरोसीन एक तरह का सैंडविच कंपाउंड है. सैंडविच आप सब समझते हैं, सैंडविच कंपाउंड है, सैंडविच आप सब समझते हैं. आप सबने सैंडविच देखा होगा, खाया होगा, एक ब्रेड दूसरी ब्रेड और बीच में स्टफिंग, सपोज जो भी हमने मसाला फिल किया है. तो इस कंपाउंड को हमने सैंडविच कंपाउंड क्यों कहा, व्हाई डिड वी कॉल फेरोसीन एज अ सैंडविच कंपाउंड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ सैंडविच. ऊपर और नीचे साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन की दो रिंग्स है, ऊपर एक रिंग है नीचे एक रिंग है, जहाँ पे दोनों ब्रेड्स होती हैं, और सेंटर में जो फिलिंग है जहाँ पर कि अपना मसाला प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा आयरन आयन प्रेजेंट है. आपके सिलेबस में फेरोसीन डिटेल में दिया गया है, बॉन्डिंग इन फेरोसीन वी हैव टू स्टडी, हम वो उसको अलग से टॉपिक में स्टडी करेंगे. अगर एग्जाम में बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी आती है तो आप बताएंगे कि फेरोसीन इज अ सैंडविच कंपाउंड. पहली चीज, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसीन. फेरोसीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको एक मेटेलोसीन भी कहते हैं. मेटेलोसीन का मतलब भी यही है, दैट इट कंटेन्स अ मेटल आयन बिटवीन द टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. दो रिंग्स के बीच में एक मेटल आयन प्रेजेंट होता है, क्योंकि दोनों रिंग्स एरोमेटिक है, इस वजह से फेरोसीन ओवरऑल भी एरोमेटिसिटी शो करता है. दोनों रिंग साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन की है, इसकी ऊपर भी रिंग नीचे भी रिंग वही है, सेंटर के अंदर आयरन आयन प्रेजेंट है. तो दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो शोज एरोमेटिसिटी. ओके, ये सारे 5 मेंबर्ड कंपाउंड्स जो हैं, 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हमारे. एक है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, पायरोल, थायोफीन, फ्यूरेन. इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से इन हिट्रो एटम्स का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर इन्वॉल्व होके उसकी एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है. इसके अलावा साइक्लोपेंटाडाईनाइड एनायन कैसे बनता है और किस तरह से उसकी एरोमेटिसिटी शो होती है, वो हमने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख लिया. ओके, एक आया फेरोसीन का एग्जाम्पल, दैट इज ऑल्सो सैंडविच कंपाउंड एंड वी हैव सीन इट्स एरोमेटिसिटी. नेक्स्ट बात आती है 7 मेंबर्ड रिंग्स की. 7 मेंबर्ड रिंग में हमने एक एग्जाम्पल
बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, उसका नाम है ट्रोपाइलियम आयन, कॉमन नेम है, 7 मेंबर रिंग्स हैं। आप ये ड्रॉ करेंगे तो 7 कार्बन एटम्स इसमें आप ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरोमेटिक सेक्सटेट इज स्प्रेड, इट इज स्प्रेड ओवर 7 कार्बन एटम्स। वो क्या है इसमें, एक एरोमेटिक सेक्सटेट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स विच इज स्प्रेड ओवर, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, इट इज स्प्रेड ओवर 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम्स के ऊपर एक एरोमेटिक सेक्सटेट फैला हुआ होता है इस रिंग के अंदर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग के अंदर हमने एग्जांपल देखा था 1, 3, 5, 7 टेट्रामिथाइल साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ईन। ये मैंने आपको समझाया था कैसे हमने इसको नाम दिया है, कार्बन नंबर 1, 3, 5 और 7 के ऊपर हर ऑल्टरनेट के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट थे, तो हमने कह दिया 1, 3, 5, 7 टोटल 4 मिथाइल ग्रुप्स हो गए, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा मिथाइल। ओके, साइक्लो कहा क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऑक्टा मतलब 8 एटम्स होने चाहिए, ऑक्टा टेट्रा ईन, टेट्रा का मतलब 4, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, तो 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ये तब एरोमेटिक होता है अगर हम इसको सिंपली ये कंपाउंड देखें, तो ये कंपाउंड तो ये हो गया 1, 3, 5, 7 टेट्रा मिथाइल साइक्लोक्टा टेट्रा ईन, ये तो हो गया हमारा कंपाउंड। लेकिन दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक नहीं है, इसके अंदर तो टोटल 4 डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर आप 4n+2 रूल लगा के देखेंगे तो ये हकल रूल को भी नहीं करता, लेकिन अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर दें तो 8 में से हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स डाई कैटायन, कैटायन का मतलब आप सब समझते हैं, कैटायन का मतलब होता है अ कंपाउंड और अ स्पीशीज कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज, डाई का मतलब होता है 2 पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर है जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। इस मॉलिक्यूल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कर दिया जाए तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, मतलब फिर एक एरोमेटिक सेक्सटेट इसमें डेवलप हो जाएगा। देयर वॉज नो एरोमेटिक सेक्सटेट इन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल बट इन इट्स डायकेटायन, इसके डायकेटायन में क्योंकि एरोमेटिक सेक्सटेट है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से, इसलिए ये डायकेटायन एरोमेटिक है। अगर हम इस सिंपल मॉलिक्यूल की बात करें जहां हम डायकेटायन को नहीं मान रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा। आप देख सकते हैं 4n+2 क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 4n = 8 - 2 दैट इज 6, तो 4n = 6, n = 6/4, 3/2 कहाँ है, नहीं है ना, एन शुड बी अ होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। अगर डेसिमल और फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है इट मीन्स ये मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक नहीं है। तो एज सच अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम अगर डायकेटायन को स्टडी करें, डायकेटायन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए, कैटायन तो इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से ही बनता है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, एक एरोमेटिक सेट कॉन्स्टिट्यूट हो गया और वो पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट होंगे अलॉन्ग विद द पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा पॉइंट नंबर बी, 5, 7 एंड 8 मेंबर्ड रिंग्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।